नमस्कार, जरा हटके में आपका स्वागत है। देश हो या विदेश, बहुत सी ऐसी रस्में होती हैं जो आपने सुनी होंगी और उसे निभाते भी होंगे। जब किसी की शादी होती है तो उसे कई रस्मों से गुजरना पड़ता है। बता दें, दुनिया में अलग अलग देशों में लोगों के रीति रिवाज, परंपराएं और रस्में ऐसी हैं कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जिन रस्मों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडोनेशिया के टिडोंग समुदाय के लोग शादी को लेकर अनोखे रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, जिसे सुनकर आप अचंभित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। इनकी शादी में कई तरह के रिवाज होते हैं, जिनमें से एक है, दूल्हा तब तक अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकता जब तक दूल्हा अच्छा सा कोई गीत न गा दे। और इसके बाद एक और रिवाज आता है, जिसके अंतर्गत यहाँ वर और वधू शादी के करीब 3 दिन तक टॉयलेट नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दूल्हा और दुल्हन 3 दिन तक नेचुरल स्कॉल यानी कि शौचालय नहीं जा सकते। इन लोगों का मानना है कि अगर ये लोग शादी के 3 दिन बाद तक टॉयलेट का यूज करेंगे तो उन्हें बुरी नजर लग जाएगी। इसके अलावा हो सकता है नए जोड़े की नई नवेली शादी भी टूट जाए, या दोनों में से किसी एक की मौत भी हो सकती है। यदि ये 3 दिन शौचालय न जाने वाला रिवाज तोड़ा गया तो वैवाहिक जीवन में अपशगुन आ सकता है। इन्हीं सब दुष्परिणामों से बचने के लिए ये लोग इस नियम का कड़ाई के साथ पालन करते हैं। दोनों पति पत्नी 3 दिन तक एक ही जगह बैठे रहते हैं और इनकी देखभाल घर के अन्य सदस्य करते हैं। इस बीच खान पान भी हल्का लिया जाता है, ताकि टॉयलेट जाने की जरूरत ही कम से कम पड़े। 3 दिन बाद दोनों नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। इन लोगों की परंपराएं बिल्कुल ही जुदा है। शायद इनका पालन करना आज की युवा पीढ़ी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये समुदाय पूरी तल्लीनता के साथ इन रिवाजों का पालन कर रहा है।